खराब बिस्तर में नजर हुई, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जाओ बोलिए। अटल बिहारी जी ने करवाया, विदेश में करा कर लाए, बेचारे बिस्तर में लग गए। हम क्या है तो आप ये सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होगा। हाँ क्या होगा कैसे होगा, मगर अंदर से दिल सही नहीं हो पाया था जी। फिर आपने कराई लिया इलाज? हाँ जी, मैं आपके पास है डॉक्टर साहब के पास ऐसी विवेगा नंदन है, उन्होंने बहुत हिम्मत बताई मेरी। और फिर मैं बोला हाँ ठीक है रही, अब मुझे करा लेना चाहिए क्योंकि अब मेरे बस से बाहर हो रहा था उधर। अब ऑपरेशन के बाद कैसे लग रहा है आपको? सही लग रहा है। जो दर्द पहले होता था ऑपरेशन से नहीं है, जिसकी वजह से आप बिस्तर में ही रहती थी, वो दर्द अब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, चलने में मजा आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? हाँ पहले से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है चलने में। बाकी लोग क्या कहेंगे, आपके ऑपरेशन कराना चाहिए? हाँ, जो मुझसे पूछेगा मतलब मेरे पैर में दर्द है ऐसा, तो मैं सलाह दूंगी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, आपके पास ही दूंगी जहाँ तक होगा। तो मैं कहूँगी कि करवा लो भैया, ये मुसीबत से दूर रहो, मतलब सोचकर पालोगे अच्छे चल चल पाओ। तो आप बिल्कुल ठीक है, खूब चलिए भैया आप, ठीक है? जितना चलेंगी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? ये हमारी मरीज थी मिसेस सरस्वती, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, एंड शी वाज माय पेशेंट एंड आई हैव ऑपरेटेड दिस। थैंक यू। आप कौन है? मैं इनका बेटा हूँ, मेरा नाम नारायण सिंह पटियाल है। मेरी माताजी पिछले 4 सालों से घुटनों के दर्द से बुरी तरीके से परेशान थी, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी और इतना हो जाता। अभी ठीक चला जा रहा है, उतना उतनी ज्यादा जैसे आपको लग रही थी प्रॉब्लम वो तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपको चलता हुआ देख के। आइए आइए आंटी, एक मैं आपका पीछे से, आप चलिए मैं पीछे से दीजिए। वेरी गुड। Thank you.